जनपद कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। दोस्तों के साथ नहर नहाते समय किशोर गहरे पानी में जाने से डूबा, खोजबीन जारी। गुरुवार दोपहर नहर में दोस्तों के साथ नहाते समय किशोर गहरे पानी में जाने से डूब गया। साथ में नहा रहे दोस्तों ने निकालने का काफी प्रयास किया, पर वह असफल रहे। किशोर के डूबने की जानकारी घर पहुंचकर दी। सूचना मिलते ही घर परिवार में हड़कंप मच गया, वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही 3 चौकी की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। क्षेत्र के कंसुआ नहर पुल व नहर कोठी के बीच से निकले सकतपुर बम्बा के सामने दोस्तों के साथ नहाते समय गहरे पानी में किशोर डूब गया। सौर कस्बा के नगरिया तालपन निवासी किशोर कृष्ण कांत उर्फ टिल्लू उम्र 17 वर्ष पुत्र राजेश कुमार अपने मोहल्ला के ही दोस्तों के साथ नहर नहाने आया हुआ था। नहर में छलांग लगाते ही गहरे पानी में डूब गया। डूबने की सूचना दोस्तों ने घर पहुंच कर दी। पिता राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पिता राकेश मजदूरी कर रहा था, उसी समय घर पर फोन पर जानकारी मिली। सूचना मिलते ही घर परिवार में अफरा तफरी मच गई। नहर में किशोर के डूबने की सूचना पुलिस को दी गई। कृष्ण कांत 2 भाई एक बहन में सबसे बड़ा है। घटनास्थल को लेकर पुलिस चौकी ने राजस्व विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय लेखपाल अश्विनी कुमार व नायब तहसीलदार रत्नेश कुमार मौके पर पहुंचे। कवरेज किए जाने तक किशोर की गोताखोरों द्वारा तलाश जारी है। नहाने वाले साथियों के साथ कंतुआ नहर के पुल पर नहाने आया जी। और मैं घर पर था नहीं, मैं मजदूरी कर रहा था। मेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मजदूरी करके भरण पोषण करता हूँ। इसके बाद हम थम्सअप एजेंसी पर ठंडा उतार रहे थे, हमको वहीं पर मोबाइल द्वारा सूचना मिली। क्या सूचना प्राप्त हुई थी आपको? सूचना ये प्राप्त हुई कि आपका लड़का नहर में डूब गया है। तब हम दौड़ते भागते हुए आनन फानन में यहाँ कंतुआ के पुल पर आए। यहाँ देखा तो नदी के पानी में बहुत बहाव तेज है, थक हार कर बैठा हूँ। इसका नाम क्या था? कर्ण कांत। उम्र क्या रही? उम्र इसकी? उम्र लगभग 16-17 साल की होगी। गांव नगरिया ताल पर